अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम। पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी सीवी के अंदर अपनी जो इमेज होती है उसको किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने एमएस वर्ल्ड के अंदर एक सीवी ओपन की हुई है, इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो राइट साइड पे ये जो स्पेस है यहाँ पे मैं इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ। एमएस वर्ल्ड के अंदर इमेज को इंसर्ट करने का एक तो सिंपल तरीका जो ये है वो है, हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं, यहाँ पे देखें तो पिक्चर्स की ऑप्शन दी हुई है, इस पर क्लिक करें एंड अपनी जो रेलिवेंट आपकी जो पिक है जिसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट करें उसे आपने सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना। तो एक तो तरीका है ये, इस तरह आप अपनी पिक को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो अब मैंने ये पिक का साइज़ भी देखें, ये तो काफ़ी काम कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे हमने पिक इंसर्ट की है लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो नेम है और ये जो बाकी जो डेटा है जैसे कि सेल नंबर था, इसके दरमियान ये बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया, इवन कि ये उतनी ही स्पेस है जितनी ये हमारी पिक की हाइट है। इसे अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखिएगा, ये जो हमारा साइज़ ये स्पेस है नेम एंड बाकी डेटा के बिटवीन वो भी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे मैं ये पिक का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ अगेन वो स्पेस जो है दोबारा इंक्रीज़ हो जाती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम पेश आती है कि जब वो सीवी क्रिएट करते हैं तो जब वो पिक इंसर्ट करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम पेश आती है। तो आइए आज मैं इसी का सोल्यूशन आपको बताता हूँ। इस पिक को डिलीट कर देते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है ये डिस्टर्ब ना हो और यहाँ पे हमारी पिक इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इंसर्ट टैब पे आना है, यहाँ पे शेप पे आना है, यहाँ से आप ये रेक्टेंगल ही ले सकते हो। तो सिंपली आप जितने एरिया में चाहते हैं कि आपकी पिक आए वो एरिया पे आपने रेक्टेंगल ड्रा कर देना है। तो ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेम इसी के अंदर पिक आए और हमारा ये जो यहाँ पे नाम एंड सेल के दरमियान जो पहले स्पेस क्रिएट हो जाती थी वो क्रिएट ना हो, ये बाकी डेटा सेम वैसे ही रहे। तो उसके लिए ये देखें, हमने रेक्टेंगल ड्रा किया है, वापस आते यहाँ पे आए तो शेप फिल। इससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बताता जाऊँ कि हमारा एमएस वर्ल्ड का कंप्लीट कोर्स भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने एमएस वर्ल्ड 2019 बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो वापस आते हैं शेप फिल पे, यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ पर देखें तो पिक्चर की ऑप्शन हुई है, यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी, यहाँ पे आपने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी पिक सेलेक्ट करनी है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, अब सेम वही पिक है जो कि पहले हमने इंसर्ट की थी, तो वो हमारी ये काफ़ी ज़्यादा जगह पे आई थी, लेकिन अब जितना हमने रेक्टेंगल ड्रा किया था हमारी पिक उसी के अंदर ही एडजस्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसे हम जूम इन कर लेते हैं और ताकि और थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर सकें। अब आप इसे अगर यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसे पकड़ के कहीं भी अपनी सीवी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन मैं इसे यहाँ पे
यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जिस साइड पे भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखें, लेकिन अगर आप ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया था, आप देखें कि उसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पे शो रही ही है। मैं इसे और जूम इन करता हूँ, ये देखें, अगर आप इसे रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर इसे रिमूव करना चाहें तो उसके लिए आप वापस इंसर्ट टैब पे आएँ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे पिक पे ऊपर, तो पिक्चर बॉर्डर है, यहाँ पे नो आउटलाइन की ऑप्शन दी हुई है। ये देखें, वापस एक दफ़ा आपको बता दूँ, इसी पिक के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, फॉर्मेट की टैब ओपन होगी, इसके अंदर पिक्चर बॉर्डर्स पे आना है, एंड देन नीचे आए तो यहाँ पे नो आउटलाइन की ऑप्शन दी हुई है, तो आपने नो आउटलाइन पे करते हैं। अगर आउटलाइन रखनी चाहें तो यहाँ से आप उसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहें तो नो आउटलाइन पे आएँ, यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये देखें हमारी जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, तो इस तरह स्टूडेंट्स आप अपनी सीवी के अंदर अपनी पिक को इंसर्ट करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।